सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है मेरे पे यमहा की यमहा R15M। और भाई वो सिंपल सी बात है, आज होने वाली है इसकी फर्स्ट सर्विस। और फर्स्ट सर्विस में भाई बहुत सारा झोला मोला हो गया, सही बताओ तो। मतलब झोला वाला मतलब मेरा कह रहा मतलब है बहुत झोल हो गया इसकी फर्स्ट सर्विस करवाने के चक्कर में। क्योंकि देखो भाई, हमने ली थी इसकी 7 तारीख को डिलीवरी, 11 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। भाई शोरूम वाले कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इसकी सर्विस होनी चाहिए। और भाई से हम इतना चलाए कैसे, हम अभी ना ही लॉन्ग रूट गए, ना इधर गए ना उधर गए। सबसे बड़ी दिक्कत आती से चलाने की, क्योंकि पहली सर्विस जो है 1 महीने के अंदर और 1000 किलोमीटर के अंदर में, यानी कि 700 से 1000 के बीच में आपको करवानी होती है इसकी फर्स्ट सर्विस। और भैया फर्स्ट सर्विस हमारे ना एक तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई हमें इसकी फर्स्ट सर्विस कराने में। मतलब अभी करवाई तो नहीं है, करवाएंगे, बस सीन ये था इसे चलाने की। अब चलाने की दिक्कत ये थी भाई, इसे चलाएं कैसे। ये रहा देखो क्या कर रहा है वो, बात ही हम चलाएंगे उसे, बट इसे भी चलाना जरूरी था क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस करानी थी। अब चलाए कैसे बंदा, रोज ये पापा के साथ जाता है पीछे बैठ के काम पे, लेकिन भाई ये जा रहा है इससे कि वो करनी है इसे, इसकी किलोमीटर कंप्लीट करनी है। अभी पता नहीं क्या कर रहा है ये, बट अभी इसकी जो है फर्स्ट सर्विस करानी है हमें। और जो इसकी फर्स्ट सर्विस का जो टोटल मतलब है, इसका क्या कहते हैं, इसकी जो करवानी होती है आई थिंक 1000 से 1000 किलोमीटर के अंदर करवानी होती है कि 1000 किलोमीटर के अंदर इसकी सर्विस हो जाए। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि किलोमीटर चली कितनी है और अब मैं कितने पर कराना चाहूँ, क्योंकि भाई इसका जो लास्ट डेट है कल है, उसके बाद वरना फिर सर्विस स्किप हो जाएगी इसकी, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आप देख रहे हो ये चली है टोटल, ट्रिप पर लगी पड़ी है, मैं इसे ट्रिप से हटा लेता हूँ। हाँ ऑटो देख लो भाई, क्या ऑटो देखो यार, 666 कहाँ जाके मीटर रुका है 666 पे। तो भाई अब इसकी होने वाली है आज फर्स्ट सर्विस, और फर्स्ट सर्विस में आपको मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि भाई टोटल खर्चा कितना आने वाला है, कैसे कैसे होगा, प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, जो भी एवरीथिंग सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो बने रहना और भाई मज़ा आने वाला है, इसकी फर्स्ट सर्विस होने वाली, देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो सब कुछ जानना है, तो वीडियो बने रहना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते, चैनल पहली बार तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसे देखो पता नहीं क्या कर रहा है ये, भाई क्या कर रहे हो आप, अभी पता था, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी पता। खैर हम अपने वीडियो को फोकस करते हैं। तो भाई आ चुके हैं अपने सर्विस सेंटर पे, और यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है वो कन्वर्टर पे लग चुकी है और सर्विस के लिए तैयार हो रही है। तो भाई यहाँ पे आप देखते हो इसका जो सिर्फ ये चली है करीबन 670 या 680 किलोमीटर चली है, और अभी आप इसका जो ऑयल देख रहे हो ना, जो कितना काला हो गया, सिर्फ 600 किलोमीटर में ये ऑयल है इतना काला हो चुका है। बट कोई नहीं, अभी भैया यहाँ पे अपना जो है ऑयल फिल्टर वो चेंज करेंगे, कुछ चीज़ें बताई हैं जो चेंज होंगी और वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें लगाई जाएंगी, तो उस चीज़ आपको पता लग ही जाएगा। बाकी यहाँ पे फर्स्ट सर्विस पे जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज होता ही होता है, तो वो तो मैंडेटरी है, तो फर्स्ट सर्विस पे वो चेंज होगा ही होगा। अगर आप अपना R1 लेके जा रहे हो V4 कोई सा भी, तो उसका ऑयल फिल्टर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होगा। एंड और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही, जैसे कि इसका जो ऑयल होगा, जो मोबिल ऑयल होगा वो भी चेंज होगा, तो वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाकी आप यहाँ देखते हो जो ऑयल है इसका कितना काला निकला भाई, सिर्फ 600 किलोमीटर चलिए समथिंग, ये 666 किलोमीटर चलिए। बाकी यहाँ पे सर्विस में कोई ज़्यादा काम इन्होंने बताया ही नहीं है, इन्होंने बोला बस 1 घंटे में हो जाएगा। बाकी भाई को यहाँ पे एक चूहा दिख गया, उसे पकड़ने के लिए भाई गाड़ी छोड़कर चूहे को पकड़ने चले गए। खैर कोई नहीं, बाकी आप देखते तो यहाँ पे अभी जो भाई है बैटरी पे लगा रहे हैं, बैटरी जेली लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि बैटरी पे जेली लगाने से जंग वंग नहीं लगता है, जैसे बैटरी पे थोड़ा बहुत जंग वंग आया था नमी सी, वो चीज़ नहीं आएगी इसकी वजह से। तो भैया वो लगा रहे हैं, इसके भी भैया ने अलग से चार्ज करे हैं 100 रुपये आई थिंक 70 रुपये, तो सब आपको लास्ट में पता चली जाएगा कितना टोटल खर्चा है। बाकी यहाँ पे जो बिलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस का जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से लिखा जाता है, उसके हिसाब से इनवॉइस बनता है, तो वो सब काम शुरू हो रहा है। बाकी आप देखते हो जो इसका ऑयल है यमहा ल्यूब के नाम से इसका जो है ऑयल है, स्पोर्टी प्रीमियम के नाम से इसका जो ऑयल है वो इसके अंदर ओरिजिनल वाला डल रहा है, इससे नीचे वाला भी आता है, बट जो बाइक के अंदर जो स्पोर्ट बाइक के अंदर डलता है जो यमहा वाले रिकमेंड करते हैं वो ये वाला है, तो यही वाला अपन डलवाएंगे, हम डलवाएंगे क्या, वो खुद ही कह रहे हैं भाई यही डलेगा ही, तो हमारे पास चॉइस नहीं है ये डलेगा। बाकी यहाँ पे एक ये कार्बन डालने हैं, थिंक ये इसलिए डालने ताकि टैंक में कोई जंग वंग ना लगे। बाकी यहाँ पे यमहा ल्यूब का एक चैन क्लीनर और एक ल्यूब भी है, वो भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो ओवरऑल जो सर्विस है अपनी कंप्लीट हो ही चुकी है, ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं हुआ है इसके अंदर, बस थोड़ा चैन को ढीला टाइट करा गया, ल्यूब किया गया, ऑयल चेंज करा, ऑयल फिल्टर चेंज करा है, और थोड़ी बहुत जो है कमी पेशी करी है वो चीज़ करी गई है, और बाकी जो ये चीज़ बच गई थी भैया ने वापस दे दी है, बोल दिया अगले सर्विस पे आप इसे ले आना तो हम लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा ये रिटर्न हो जाएगा आपका क्योंकि बच गया है। बाकी यहाँ पे जो अपना इनवॉइस है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है वो वॉशिंग के लिए भी आ चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को फर्स्ट सर्विस में। और ये जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे भाई भीड़ भी बहुत कम है, सिर्फ अपनी ही बाइक की जो सर्विस हो रही थी, तो भाई ये जो है बड़ी जल्दी सर्विस हो चुकी है अपनी 1 घंटे के अंदर, और अभी चलते हैं अपने मेन लोकेशन पर।
तो भाई फाइनली जो है इसकी सर्विस होके आ चुकी है। मैं इसे अब अपने उसी लोकेशन पे लेके आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने इसकी सर्विस कराई थी, और अभी 681 किलोमीटर चली है सर्विस के बाद। और जो सर्विस का इसका टोटल का जो खर्चा है मैं आपको बताता हूँ आप कितना है। उन्होंने अभी स्लिप तो दी नहीं है मेरे को, उन्होंने बोला आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ ले आप देख सकते हो कि इंजन ऑयल है 530 रुपये का, और ऑयल फिल्टर है 247 रुपये का, और चेन ल्यूब चेन क्लीनर 150-150 रुपये के हो गए, और कार्बन कुछ ऐसे कुछ है मतलब टैंक के लिए डाला था उन्होंने 163 रुपये का, और कोलेंट है वो कम हो गया तो 100 रुपये का वो डाल दिया, और बैटरी जली लगाई वो 75 रुपये की लगी। तो टोटल जो खर्चा है मेरा 1415 रुपये जो इसके अंदर है जो मेरा खर्चा आया फर्स्ट सर्विस का। भाई फर्स्ट सर्विस इसकी 1415 रुपये। भाई मैंने TVS स्पोर्ट जो मेरे भैया के पास है उसकी सर्विस कराई थी, उसकी फर्स्ट सर्विस 480 रुपये की हुई थी। और ये भाई बाइक तो भाई डिफरेंस तो है भाई, वो है TVS स्पोर्ट और ये है R15M। तो भाई ऊपर नीचे देख रहे हो, फिर भी मतलब 1400 रुपये के आसपास में इसकी सर्विस होएगी। 1400 रुपये जो थी वो उसकी सर्विस हो गई, बट ठीक है ज़्यादा पैसा नहीं लगा, ठीक ठाक में सर्विस हो गई इसकी। इस वीडियो में मेरे को सिर्फ आपको यही बताना था कि इसकी फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आता कितना है। तो मैंने इसकी जो फर्स्ट सर्विस है उसका कॉस्ट आया 1415 रुपये। तो ये जो मेरे को आपको बताना था कि भाई इसकी जो फर्स्ट सर्विस है इसका इतना कॉस्ट आया, तो होपफुली आपको अच्छी लगा होगा समझ में। अगर आप भी जाते हो इसकी सर्विस कराने तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना खर्चा आने वाला है। तो भाई इसकी कुछ ऐसी जो फर्स्ट सर्विस है उसकी कुछ ऐसी कॉस्ट आई है। तो फिर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।